हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मैक्रोनी, जो बच्चों की, बड़ों की, सबकी फेवरेट है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए लिया है मैंने 1 कप मैक्रोनी, और जो मैं इसमें बॉईल करने के लिए रख दूंगी, मैंने 1 कप मैक्रोनी डाल दी। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी जिससे ये आपस में चिपकेगी नहीं, और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। अब हम इसको उबलने देते हैं। जब तक ये बॉईल हो रही है, तब तक मैंने कुछ सब्जियां काट के रखी है, जिसमें मैंने शिमला मिर्च काटा है, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा मटर और थोड़ा सा प्याज। आप इसमें और भी सब्जी ऐड कर सकते हैं जो आप पसंद करें, जैसे गाजर, बीन्स, ये सब भी आप ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास जो था वो मैंने ऐड कर दिया। देखिए, मैक्रोनी अच्छे से उबल गई है, और हम इसको थोड़ा चेक कर लेंगे कि पकी है कि नहीं। ये अच्छे से पक गई है, गैस बंद कर देंगे। मैंने इसको एक स्ट्रेनर से ये मैंने छान लिया है। अब हम इसको एक साइड में रख देंगे 5 मिनट के लिए, ठंडा होने के लिए। तब तक हम गैस पे एक पैन रखेंगे और सब्जियों को फ्राई कर लेंगे। पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, फिर इस पे मैंने प्याज डाल दिया। मैंने इसमें मटर डाल दिया। मटर और शिमला मिर्च मैंने एक ही साथ डाल दिया। मटर को थोड़ा पकने में टाइम लगेगा, वैसे मैंने फ्रेश मटर ही यूज़ किया, लेकिन थोड़ा अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा लाल होने तक इनको भून लेते हैं, फिर टमाटर डालेंगे। हम इसमें टमाटर डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। फिर इसको हम ढक देंगे ताकि सब्जी अच्छे से पक जाए, और गैस थोड़ा सा स्लो कर देंगे। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि सब्जियां पक गई हैं क्या। सब्जियां अच्छे से सब पक गई हैं। अब इसमें हम मैक्रोनी डालेंगे। इसके बाद ये 2 चम्मच केचप डालेंगे। ये 2 चम्मच सेजान सॉस डालेंगे। 2 बड़ा चम्मच सोया सॉस डालेंगे। फिर इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि हमने उबलते टाइम भी नमक डाला था और सब्जी को पकाने के लिए भी नमक डाला था, तो बिल्कुल थोड़ा सा। अगर ज़रूरत ना हो तो आप ना डालें। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा मैक्रोनी बन के रेडी है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये
देखिए हमारा मैक्रोनी रेडी है। अब आप इसे बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ओके बाय।